अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की रस्म आगामी 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर होगी। राम मंदिर का निर्माण कर रही संस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर होगी। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद आरती करो, पास पड़ोस के बाजारों में मोहल्लों में भगवान का प्रसाद वितरित करो और सायंकाल सूर्यास्त के पश्चात दीपक जलाओ। ऐसा ही निवेदन आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से सारे संसार का आवाहन करते हुए किया। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे, भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंद उत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। यदि आपके लिए संभव है तो टेलीविजन पर्दा लगाकर अयोध्या के दृश्य दिखाओ। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी को ही की जाएगी। इसे लेकर जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की अन्य जानी मानी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण कराए जाने का आदेश दिया था, जिसके निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया था। वहीं हाल ही में अयोध्या पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि पूरी दुनिया ऐतिहासिक राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का इंतजार कर रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन को दीपावली के रूप में मनाने के लिए अपने घरों में विशेष दीप जलाने की अपील भी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम की नगरी से 140 करोड़ देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि 22 जनवरी को अयोध्या आने का प्रयास न करें। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान हो तो सभी लोग दीपावली मनाएं और अपने अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं।